कि एक इंसान अगर गुनाहों के बारे में ध्यान नहीं देगा, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, अपने ख़ानदान में, याद रखे खुद भी जहन्नम में जाएगा, साथ साथ में अपने घर वालों को भी लेकर जाएगा। अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लदीना आमनु, ए ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों तुम अपने आप को बचाओ, अपने अहलो आयाल को बचाओ। किससे बचाओ? नारा, आग से बचाओ। आग में इंसान क्यों जाएगा? आग में इंसान जाएगा तो उसके जाने की क्या वजह होगी? गुनाहों की बिना पर जाएगा। आज आप देख लें, एक बाप अपने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए छतरी का इंतजाम करता है, उसकी इज्जत पर धब्बा ना लगे कपड़े का अच्छे से अच्छा इंतजाम करता है। कभी तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर को फोन करके कहता है, डॉक्टर साहब पैसे की फिक्र ना करना, आप बराबर इलाज करें। लेकिन इसी का बेटा, और ये खुद सब लोगों के सामने उठाकर जहन्नम में ढकेल दिए जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? गुनाह की बिना पर, मासी की बिना पर, नाफरमानी की बिना पर। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जो जहन्नम पर मुतय्यन है, इसे घसीट करके जहन्नम में दाखिल कर देंगे। तब इसको समझ में आएगा गलती क्या थी, हक क्या था, बातिल क्या चीज थी। आज हक बताई जाती है, हक बातें बताई जाती हैं, गुनाहों से रोका जाता है तो उलमा हजरात को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। आज गुनाह को गुनाह बताया जाता है तो लोग गुनाह मानते ही नहीं है। जैसे किसी को कहा जब आप झूठ ना बोले, वो झूठ को गुनाह समझता ही नहीं, वो समझता है झूठ बोलना तो जायज़ है। किसी को अगर आप लवेरिया से मना करें, किसी को आप गर्लफ्रेंड बनाने से मना करें, किसी लड़की को आप बॉयफ्रेंड बनाने से मना करें, वो उसको गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते। किसी लड़की को अगर आप कहें कि आप बेपर्दा होकर के ना घूमें, वो कभी उसको गुनाह मानेगी ही नहीं। आज नहीं समझ में आ रहा है ना, कयामत के दिन ये बात समझ में आ जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रुउसिहिम इंद रब्बिहिम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा, ए नबी काश कि आप देख लेते कि मुजरिम, गुनहगार बंदा कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने सर झुका के खड़ा होगा। जैसे कोई चोरी करके जाता है तो पुलिस वाले के सामने, हवलदार के सामने सर झुका के खड़ा होता है। एक मुजरिम, एक गुनहगार बंदा अल्लाह के पास जब जाएगा तो सर झुका के नीचे खड़ा होगा, ना कि रुउसिहिम, अपने सरों को झुकाए हुए होगा। वहाँ सीना थोड़ी ना तान सकेगा, आप सब चीज़ें दिख जाएंगी। और अल्लाह तबारक व ताला से रिक्वेस्ट करेगा, अल्लाह से कहेगा, क्या कहेगा? रब्बना, ऐ हमारे रब। नाज़रीन आप गौर करें कि आज रब के बारे में दुनिया में बताया जा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, या नहीं समझ में आ रहा है ना, मरने के बाद सब समझ में आ जाएगा। अल्लाह के सामने जब वो पेश होगा, उसको जिंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा। आज जिंदगी का मकसद बताया जाता है तो उसको समझ में, वो समझता है कि ये मौलवी लोग बिल्कुल मॉडर्न तहजीब से हटा करके कुछ और बता रहे हैं, आज नहीं समझ में आ रहा है। तब अल्लाह से क्या कहेगा? रब्बना, ऐ हमारे रब। अब सरना, ये कौन कहेगा? ये मुजरिम आदमी कहेगा, ये गुनाह करने वाला बंदा कहेगा, ये वो बंदा कहेगा जो सुबह से शाम तक गलतियां करते रहता था, इसको मना किया जाता था बाज नहीं आता था। तब क्या कहेगा? रब्बना, ऐ हमारे रब। अब हमारे रब, अब सरना, ऐ अल्लाह जहन्नम तो दिख गई, सामने जहन्नम मौजूद है। वसमयना, और हमने जहन्नम में चीखने चिल्लाने वालों की आवाज भी हमने सुन ली। तो अल्लाह तुझसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट तुझसे करते, ना तुझसे हम जन्नत मांगते, ना तुझसे अजाब की दूरी के बारे में सवाल करते, एक रिक्वेस्ट सिर्फ तुझसे ये है कि क्या कर दे अल्लाह, एक बार लौटा दे बस, अब कुछ नहीं मांगेंगे। अब ना कभी जिनाकारी करेंगे, ना कभी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, लड़कियां कहेंगे ना कभी बॉयफ्रेंड बनाएंगे, और क्या कहें, अब बेपर्दा नहीं घूमेंगी, अब हमेशा हिजाब में रहेंगी। वहां सुधर जाएगा। क्यों? सुधरने की खास वजह होगी कि जहन्नम सामने, अब यकीन हो गया, देखने के बाद हर कोई मानता है। नौजवान लड़के को अगर बाप कहे कि बेटा फास्ट मोटरसाइकिल मत चला, उसको यकीन नहीं आता है कि हाँ नुकसान भी होता है। लेकिन वही नौजवान जब किसी हाईवे पर या किसी सड़क पर कोई हादसा देख लेता है, खुद ब खुद स्लो हो जाता है। देख लिया निगाहों से ना, आज निगाहों से देख नहीं रहा है, कब्र के अजाब का इनकार कर रहा है, अल्लाह का इनकार कर रहा है, जन्नत का इनकार कर रहा है, जहन्नम का इनकार कर रहा है। लेकिन जब सब चीजें सामने आ जाएंगी तो
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जहन्नम से पनाह नहीं मांगेगा, बल्कि अल्लाह से क्या कहेगा, अल्लाह से ज़िंदगी की भीख मांगेगा। मेरे भाई नाज़रीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला से ज़िंदगी की भीख मांगेगा एक वो इंसान जो दुनिया से गुनाह करके गया होगा अल्लाह के पास। जैसे बच्चा जब फेल होता है, आप जानते हैं मिसाल, बच्चा जब फेल होता है तो अपने वालिदैन से क्या कहता, अब्बा सिर्फ एक बार 10th में और पढ़ लेने दो, अब पास होके बताऊंगा। ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोग आएंगे अल्लाह के पास, कहेंगे अल्लाह आप बिल्कुल सुधर के बताएंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। वो जो बैठ करके कोने में हम चिलम पिया करते थे, अब नहीं पियेंगे। बहुत ज़्यादा जुदाई के आलम में ये होता था, बहुत टेंशन होता था, सिगरेट पीते थे, अब कुछ नहीं पियेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ तेरी बातें हम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे मुजरिमों को, ऐसे गुनहगारों को, ऐसे नाफरमान बंदों को अल्लाह तबारक व ताला क्या कहेगा, तू झूठा आदमी है, तू झूठ बोलता है, तू मक्कार आदमी है, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुआ कायलुहा, ये तू बार बार कहता है। दुनिया में जब तू बीमार होता था, दुनिया में जब तेरी तबीयत खराब होती थी, तेरे नसों में जब इंजेक्शन लगाया जाता था, जब इंजेक्शन के जरिए तुझे दवा पहुंचाई जाती थी, तब तू सुधर जाता था। अल्लाह ठीक कर दे, अब सुधर जाऊंगा, अब नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा, कुछ दिनों तक तो गुनाह से बाज आ जाता था, लेकिन तेरे अंदर थोड़ी कुव्वत आ जाती थी, तेरे अंदर थोड़ी ताकत आ जाती थी, तेरे पास मेरे बताने वाले बंदे पहुंचते थे, फिर उसी हड़धर्मी पे तू आ जाता था। तेरे घर में किसी का इंतकाल हो जाता था, 2-3 महीने तक तेरी टीवी भी बंद हो जाती थी और तेरी गर्लफ्रेंड भी आना जाना बंद कर देती थी। आज तू मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा है? नहीं, अब जिंदगी की भीख नहीं मिलने वाली है, अब तुझे जहन्नम का अजाब मिलने वाला है, अब तू जहन्नम में जाने वाला है, अब तुझे इस जहन्नम में डाला जाएगा तेरी गलतियों की बिना पर, तेरे गुनाह की बिना पर, और यहां पर तुझ पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। जैसे जेल होता है, जो जेलर होता है पिटाई करने वाला, थोड़ी देर बाद थक जाता है, बोलता ठीक है मैं खा पी के आता हूँ फिर मारूंगा। वहां पर थकने का मामला भी नहीं है, वहां पर इतना सख्त अजाब उन गुनहगार बंदों को दिया जाएगा जो दुनिया के अंदर घटिया काम गलतियों के अंदर मुलव्विस होंगे, कि अजाब पर अजाब, दुगना अजाब। यहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि जब जब भी उसका चमड़ा जलेगा, हम दूसरी चमड़ी उसके जिस्म पर चढ़ा देंगे, क्योंकि साइंटिफिक एतबार से जो चमड़ी हमारी होती है नाज़रीन किराम, ये जलने के बाद आदमी को दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा, चमड़ी जलने के बाद दूसरी चमड़ी चढ़ाएंगे। आ तू मेरे पास तो आ, दुनिया में कितना भी तू फुदक ले, यहां वहां भाग ले, बहुत तुर्रम खा बनने ला, कब तक, 60 साल, 70 साल, कितना जिएगा, 100 साल, क्योंकि गुनाह करने की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिटेशन तक आदमी गुनाह कर सकता है। और आम तौर से गुनाह करने का जो लिमिटेशन होता है नजरे कराम, वो लिमिटेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि किस उम्र में बंदा गुनाह करता है, उसके गुनाह करने की कैफियत किस वक्त ज्यादा होती है और कब कम हो जाती है, वो भी चीजें बताऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बयान फरमाया कि जब जब भी उसका चमड़ा जलेगा, हम दूसरी चमड़ी उसके जिस्म पर चढ़ा देंगे और उसको अजाब पर अजाब, अजाब पर अजाब दिया जाएगा, और उससे कहा जाएगा, चख तू दुनिया में इनकार करता था ना, तो दुनिया में हमारी बातें जब कोई बताने वाले आते थे तो क्या कहता था, तो यही कहता था कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हम आपकी बातों का इनकार करेंगे। और कुछ लोग तो यहां तक कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि जब जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, जैसे कोई शख्स जब जेल में जाता है तो कुछ पहचान वाले लोग होते हैं ना, तो उससे पूछते हैं, हजरत आप कैसे जहन्नम में आ गए, आप तो बड़े अच्छे आदमी थे ना, आप तो बड़े प्यारे आदमी थे, क्यों आप जहन्नम में आ गए? वो जवाब देगा, अए मेरे भाई, अए मेरे भाई, हम जहन्नम में आए इस वजह से कि फुलां फुलां गलतियां हमारे अंदर पाई जाती थी, फुलां फुलां गुनाह हम किया करते थे, फुलां गुनाह की बिना पर आज हमारा मामला ये हो गया है कि आज हम जहन्नम के अंदर आ गए और हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन इकराम कि एक इंसान अपनी गलतियों की बिना पर, अपने गुनाहों की बिना पर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर का जायजा लें, अपने माहौल का जायजा लें, अपने दोस्तों का जायजा लें, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, क्योंकि क़यामत के दिन इन तमाम के तमाम लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि वर्रजुल राइन अला अहली बैतिही, एक आदमी अपने घर के बारे में निगहबान है, मतलब गुनाह का काम अगर हमारे घर में हो रहा है, जिम्मेदार हम हैं, क्या कर रहे हैं हम, वर रजुल राइन अला अहली बैतिही वल मरअतु राइयतुन अला बैत ज़ौजिहा व वलदिहा, और एक औरत अपने शोहर के घर की और साथ साथ में उसके बच्चों की जिम्मेदार है,
فَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رِعَيَّتِهِ, تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے, ہر ایک نگہبان ہے, ہر ایک ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی آپ نے اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا, آپ نے اس ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا. آپ یاد رکھیں, اگر گناہوں کے اندر ہمارے گھر والے ملوث ہیں, ہمارے خاندان والے یا ہمارے پڑوس کے لوگ یا ہمارا بھائی ہمارے دوست, یاد رکھیں قیامت کے دن جتنے لوگ ہمارے ماتحتی میں ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.